हे माता, इक्ष्वाकु वंश की ये राजसी मुद्रिका मेरे सत्य को प्रमाणित करती है। यही वो आभूषण है जिसके साथ प्रभु श्री राम ने राज प्रासाद का परित्याग कर वनवासी जीवन का वरण किया था। प्रसन्नता दो तन एक मन राम वसीता अश्रु आस में दो के ढल के देख हनुमत नैन भिझल के काज जो पाए वो किए पूरन वीर कपि कर्तव्य परायन हो दुष्टों का अब तय है अंता अंजनी सूत महिमा है अनंता हे हनुमान, मरुभूमि की जलती धरती पर जैसे माँ गंगा की पावन जल की शीतल धारा बह रही है, रात्रि के भयावह अंधकार को भेद कर जैसे सूर्य देव की प्रथम किरण ने चहु दिशाओं में प्रकाश और आनंद की तरंग बिखेरी हो, ऐसी ही अमृतमय वाणी है तुम्हारी हनुमान। ये दूतों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम्हारे मुख से इतना सुखद संवाद सुनकर मेरे सभी दुख मिटते प्रतीत होते हैं। हे पुत्र, विकराल राक्षसों के इस नगरी में एकाकी प्रवेश प्राप्त करने का आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि, कर्म, निष्ठा और सामर्थ्य अद्वितीय है। आपने मेरे स्वामी की मुद्रिका मेरे निकट लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे कपिश, अपने प्रभु का ये चिन्ह दिखाकर आपने मुझे धन्य कर दिया है, मेरे कष्ट मान लिया। मेरे स्वामी से मुझे जोड़ कर मेरे हृदय को आपने शीतलता प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। सीते 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 पुत्र हनुमान, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के संदेश वाहक, मुझे बताओ मेरे प्रभु सुरक्षित और कुशल तो है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आते? संपूर्ण जगत के कष्टों को हरने वाले मेरे स्वामी मेरे कष्टों को क्यों नहीं हरते? हनुमान, क्या मुझसे दूर रहकर वो दुखी नहीं होते? क्या मेरे समान हृदय को चीर देने वाला दुख उन्हें प्रताड़ित नहीं करता? पुत्र हनुमान, मुझे बताओ, क्या मेरे स्वामी अपने पुरुषार्थ का भली भांति निर्वाह कर रहे हैं? क्या वो अपने समस्त धर्मों का उचित रूप से पालन कर रहे हैं? मुझे उनसे ये वियोग और सहन नहीं होता। पुत्र हनुमान, उन्हें मेरा दुख का भान तो होगा,
फिर भी वो नहीं आया। मुझे बताइए कभी बस, मेरे स्वामी ने अपने अनुगामिनी को इस अस्पताल में क्यों छोड़ दिया हनुमान? जैसे उन्होंने मेरा परित्याग ही कर दिया। नहीं माता, ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइए माता। मेरे प्रभु आपका परित्याग कदापि नहीं कर सकते माता। आपसे दूर रहकर वो सदा शोक संतप्त रहते हैं। रमणीय दृश्यों में, सुंदर पुष्पों में उनका हृदय कहीं नहीं रमता माता। उनके नेत्रों में सदैव आपकी ही छवि रहती है। वो सदैव आपका स्मरण करते हैं। आपके वियोग में उन्हें पल भर के लिए भी निद्रा नहीं आती माता। मेरे यहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात जैसे ही उन्हें आपका समाचार प्राप्त होगा, वो क्षणिक विलंब किए बिना भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव के साथ असंख्य वानर एवं रीछ योद्धाओं के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। अपने बाणों से सागर को सुखाकर वो लंका में प्रवेश करेंगे। उनके पावन पदों से ये भीषण धूल धूसरित हो जाएगी। स्वयं यमराज भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे माता। माता, आपसे दूर रहकर प्रभु श्री राम भी आप ही के समान विरह में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। शीघ्र ही आपके साथ वो भी संपूर्णता प्राप्त करेंगे। मुझे ऐसी सुखद अनुभूति हो रही है कि हनुमान ने सीता से भेंट कर उन्हें मेरी मुद्रिका प्रदान कर दी है। इसका अर्थ है आपके विरह के दिनों का अंत निकट है। हनुमान, तुम्हारे कथन अनुसार स्वामी के हृदय में मेरे सिवाय अनिया और कोई विचार नहीं। मेरे वियोग में वो मेरे ही समान शोक संतप्त हैं। हनुमान, तुम्हारे वचन अमृत के समान सुखदायी हैं और विष के समान दुखदायी हैं। मेरे प्रति उनका स्नेह का वर्णन सुन मुझे आनंद की अनुभूति होती है और उनको कष्ट में जानकर मेरा अंतर मन असहनीय पीड़ा से ग्रसित होता। दो माँ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे हनुमान, शीघ्र जाकर उनसे कहिए कि उनकी सीता के पास अब अधिक समय नहीं है। उस उपद्रवी राक्षस ने मुझे मात्र दो माह का समय दिया है हनुमान, परंतु मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। संभवतः और एक माह, यदि तब तक मुझे मेरे स्वामी के दर्शन ना हुए तो मैं उनके इस वियोग को नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्र हनुमान, तुमने जो स्वामी की छवि मेरे समक्ष प्रस्तुत की है उससे मेरा हृदय और भी व्याकुल हो उठा है। मेरे हृदय में प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं किसी भी प्रकार अभी उनके समीप लौट जाओ। हाँ माता, हाँ, मैं अभी इसी क्षण आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको प्रभु श्री राम के निकट ले जाऊंगा। माता, तनिक भी संकोच किए बिना मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।
इस समस्त लंका नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे मार्ग का कंटक बन सके या मुझे। हे हनुमान, आप अपने इस सूक्ष्म शरीर से विशाल सागर को पार कर मुझे स्वामी के समीप कैसे ले जा सकते हैं? माता, आप कदाचित प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हनुमान की शक्ति सामर्थ्य और उसके बल से परिचित नहीं है। ये सूर्य के समान कैसा तेजपुंज ऐसे तीव्र प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है? हाँ, ये किसकी अद्भुत शक्ति से ऐसा प्रचंड तेज जागृत हो रहा है? ये लंका नगरी में अकस्मात क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? आनन रावण की लंका में ये कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है और ये दिव्य प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? माता, मुझे आशा है कि अब आपके हृदय में मेरी शक्ति विशाल होगा। क्या प्रभु श्री राम का महान कार्य अपूर्ण तो नहीं रह जाएगा, जिसके कारण उनकी धवल कीर्ति में ठेस तो नहीं लगेगी? माता, ये सब विचार कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वथा अनुचित होगा। उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। हे कपि श्रेष्ठ हनुमान, अपने पति श्री राम के प्रति मेरे निष्ठा और समर्पण के कारण मैं उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैं दीर्घकाल से उनके विरह की पीड़ा में जल रही हूँ हनुमान, उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर आनंद की धारा प्रवाहित कीजिए। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप है और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला होने वाला और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला होने वाला और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला होने वाला है। प्रतीत होता है जैसे ये लंका के अशुभ समय के आगमन के संकेत हैं। माता, आपने अभी तक अनेक दुखों और कष्टों का सामना किया, परंतु माता अब हनुमान आपको वचन देता है, इसी क्षण से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्षोल्लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है। दुख के सभी बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं। माता, कितना सुंदर दृश्य है स्वामी। प्रिय, सुंदर कांड को इसलिए सुंदर कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभ होते ही संसार के समस्त संताप मिट जाते हैं। सुंदरकांड सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अभी
हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मात्र एक कथन नहीं परंतु एक सत्य है। सत्य क्योंकि देवी इस क्षण से राम कथा में दुख एवं अवसाद का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी, पाप का विनाश होगा जिसका आरंभ महाबली हनुमान करेंगे। पापीगण केसरी नंदन हनुमान का यह भीषण रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे। यह कैसा भयानक प्रकाश है जो लंका के आकाश पर छा गया है। कहीं कोई अनिष्टकारी संकेत तो नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। हनुमान पुत्र, मेरे हृदय में अब कोई संशय शेष नहीं। मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है मेरे दुखों का अंत शीघ्र होगा। हे कपी से अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो। हनुमान जो आज्ञा माता। जय श्री राम। प्रणाम माता। ये कैसा मायावी वानर है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है, और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभव कार्य कैसे पूर्ण किया? स्मरण करो क्या कहा था त्रिजटा ने। देवी सीता का आना साक्षात मृत्यु से देवी का आगमन है, और हाँ मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक महाबली वानर। एक वानर से लंका और लंकेश दोनों का विनाश प्रारंभ होने वाला है, पर हम अपना नाश क्यों करवाएं? शीघ्र छुप जाओ, इससे पूर्व की वो वानर हमें देख ले। माता आपको दिए वचन को निभाने के लिए अब मुझे अति शीघ्र प्रभु श्री राम के समीप पहुंचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए माता। पुत्र हनुमान, तुमने अपने मुख से स्वामी के नाम रूपी सत्य का उच्चारण कर यहाँ आते ही मेरे दुखों को हरना आरंभ कर दिया था। अब तो मेरी एक ही मनोकामना शेष है पुत्र, मेरे स्वामी मेरे प्रभु से शीघ्र मेरा मिलन हो। चिंता मत कीजिए माता, ये भी अति शीघ्र होगा। मैं पलक झपकते ही उड़कर वहां पहुंच जाऊंगा और शीघ्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता। परंतु माता इसके पूर्व कि मैं यहां से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सके। अपने स्वामी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही याद है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना तो प्रभु को यह अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम उनके जानकी से ही मिले थे। दुष्ट रावण की किसी माया से नहीं। इन दोनों के मध्य क्या गुप्त मंत्रणा चल रही है, तुम जाकर सुन लो, फिर महाराज रावण को जाकर सब बता देना। अकस्मात ये आभा कैसे? लंकनी ने भी अभी तक उस वानर की कोई सूचना नहीं दी है। कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास हो, हमें बिना प्रभावित हुए किसी भी परिस्थिति में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार करना चाहिए।